हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर आया हूं जो कि लगभग मेरे को देखते हुए, मैं इसको जब से ये बन रहा था, जब से ये मैं देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट को, और आज करीब 3-4 साल से ये प्रोजेक्ट पूरा कम्प्लीटली बैन है या बंद हो चुका है। यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, इवन गार्ड तक नहीं है। तो आज मैं इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक जाऊँगा कि इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, किस टाइप की इसकी प्लानिंग है, किस टाइप का इसका फ्लैट के डिज़ाइन है, किस टाइप के फ्लोर मैपिंग है, और क्या क्या अच्छी बातें हैं इसमें और क्या क्या गलतियां हैं। तो मोस्टली तो मुझे गलतियां ही अभी दिखेंगी क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का टाइम है। अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहां पर कॉलम के साइज़ वगैरह और उनकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है, फ्लोर की कास्टिंग भी अच्छी है। अब इसी तरह मैं ऊपर, जैसे मेरे को अभी बाहर से दिख रहा है ऊपर काफ़ी गलतियाँ हैं, लेकिन अभी नीचे तो मुझे कुछ भी ऐसी गलतियाँ नहीं दिख रही हैं। इसके लाइन अलाइनमेंट की बात करें तो ये देखिए पूरा बेफॉर्म है, इतना चलेगा, ज़्यादा नहीं है। ये आप ओवरऑल बिल्डिंग को देख सकते हैं, ये बिल्डिंग तो आधे पे ही रोक दी गई। इसका टॉप से अगर हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगा कि इस पर पूरी शटरिंग तक कंप्लीट है, इलेक्ट्रिक के जो कंड्यूट पाइप होते हैं वो तक लगा दिए गए हैं, बस कास्टिंग करना बचा था, लेकिन आज के डेट में वो पूरी सड़ चुकी है, पूरा उसी तरह सामान है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए कंप्रेसर मशीन, बार बेंडिंग मशीन, बार कटिंग मशीन, और यहाँ पर इवन बैचिंग प्लांट तक पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखिए, और ये सब टावर देखिए कंप्लीट है, पेंटिंग वेंटिंग करके बस डोर विंडो फिक्स करने हैं और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट। इस बिल्डिंग के बंद होने के पीछे का रीज़न तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आज देखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आई होप आप लोग को कुछ नया सीखने को मिले और कुछ इंटरेस्टिंग सिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इस बिल्डिंग को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए इसके रूफ पर आ चुका हूं, और इस फ्लोर का मैं लेवल बताऊं, मतलब कि इस फ्लोर पे कितने फ्लोर पर हूं मैं, तो ये फ्लोर मैं 22वें फ्लोर पर हूं और पूरा मैं स्टेयर चढ़कर आया हूं, इसलिए हो सकता है ये सब जो स्वेटिंग दिख रही है टी शर्ट पर, चेहरे पर थकावट दिख रहा होगा, 22 मंजिल चढ़ने के कारण हुआ है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा। देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि हाई राइज बिल्डिंग में ना काम करना बहुत लोग का ड्रीम होता है। बहुत सिविल इंजीनियर ऐसे मेरे पास मैं देखा हूं, या फिर इवन मैं भी अपने बारे में भी बताऊं तो मैं भी हाई राइज बिल्डिंग में काम करना चाहता हूं, लेकिन मैंने कभी भी 8 फ्लोर से ज़्यादा की बिल्डिंग नहीं बनाई है। और इतने बड़े बिल्डिंग में जब मैं आया और जब मुझे पता चला कि कई सालों से इसका कंस्ट्रक्शन बंद है और ऑलमोस्ट बिल्डिंग एक तरह से कम्प्लीट है, बस फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, टाइल्स का बचा हुआ है, पेंटिंग का बचा हुआ है, डोर विंडो ये सब फिक्स करने बचे हुए हैं, लेकिन इस बिल्डिंग पर आने के बाद मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और पता नहीं किस रीज़न से बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने के लिए कि बाहर से बिल्डिंग बड़ी अच्छी दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर इस बिल्डिंग में जो गलतियाँ हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं। इवन आपको मैं बताऊँ कि इसमें हम जो छोटे बिल्डिंगों में जिस टाइप के गलतियाँ करते हैं उस टाइप की भी गलतियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर हैं। जैसे हनी कॉम्बिंग की आप बात कर लो, लैपिंग लेंथ की बात करूँ, लैपिंग जोन की बात करूँ, या फिर मैं लाइन अलाइनमेंट की बात सुनूँ, क्योंकि कॉलम एक के ऊपर एक अपना कास्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर इवन मैं बता दूँ कि 10 से 15 एमएम का लोग मार्जिन लेके चलते हैं 10 एमएम तक, लेकिन यहाँ पर 30-30, 40-40 एमएम का मार्जिन है। आप समझ सकते हैं कि कॉलम का लोड एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर कैसे ट्रांसफर होगा, एक फ्लोर का कॉलम का लोड दूसरे फ्लोर पर ट्रांसफर करने के लिए हमको अलाइन कॉलम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। चाहे बीम की बात करूँ तो बीम की शटरिंग फैल गई है, मतलब कि जो थिकनेस है वो बराबर नहीं आई, ज़्यादा आ गई है, जिसके कारण प्लास्टर करने में अनइवन आएगा। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ हैं, तो चलिए मैं आपको एक एक करके गलतियाँ दिखाता हूँ। वो गलतियाँ देखिए जिसके रीज़न से भी हुई है मैं उस बारे में नहीं बात करता हूँ, लेकिन इस तरह की गलतियाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट में नहीं होनी चाहिए थी। कि पूरा स्लैब कास्टिंग की तैयारी पर था और इस लेवल पर काम को बंद कर दिया गया, जिसमें देखिए शटरिंग कम्प्लीट हो गई थी, इलेक्ट्रिक लाइन बीत चुकी थी, और उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि पूरा ये रनिंग प्रोजेक्ट को अचानक से छोड़ा गया, कुछ प्री प्लान करके नहीं छोड़ा गया है, काम चलते वक्त ही इसका बंद करवाया गया है। कोई हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर कुछ फॉलो ना किया गया हो, इसके कारण इनका रनिंग प्रोजेक्ट को ही ऐसे ही बंद कर दिया गया। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इस बिल्डिंग में जो क्वालिटी इशू है ना, वो क्वालिटी इशू बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप ये कॉलम ही देख सकते हैं, ये कॉलम अलाइन है ही नहीं। कॉलम में जब नीचे स्टार्टर लगा रहे होंगे तो स्टार्टर के समय ही या तो ऊपर सही है या तो नीचे गड़बड़ है, दोनों में से कोई एक चीज़ गड़बड़ है, और ऐसा इस जगह पे नहीं आ रहा है। मैक्सिमम जगह पे कॉलम का लाइन अलाइन है नहीं। यहाँ पर देखेंगे बीम अंदर की तरफ घुस गई है, ये भी अलाइन नहीं है। और हनी कॉम्बिंग, उसका तो मत पूछो कि यहाँ हनी कॉम्बिंग की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये देखिए। और भी कुछ कमियाँ बताऊँ तो देखिए यहाँ पर कवर भी देखिए, यहाँ करीब 40-50 mm का कवर है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 10-20 mm का एक्चुअल कवर यहाँ होना, इतना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ज़्यादा है।
इसी तरह बहुत सारी गलतियां हैं। अब अगले कॉलम में भी देखो तो यहाँ पर ये जो अपना साइट के जो कॉलम है ये कहीं और जा रहे हैं, और ये देखिए अभी इसमें लोग रहना भी स्टार्ट नहीं किए हैं, और ये सब देखिए क्रैक आने लगे। अब ये सब क्रैक क्या कॉलम लोड ले पाएगा? कमेंट करके बताइए कि इस तरह का कॉलम क्या सही है अगर हम अभी रेनफोर्समेंट की बात को हटा दे तो, क्योंकि अभी मैं अप्रॉक्स 22 फ्लोर पर हूँ। अब इसके ऊपर भी बनना था या नहीं बनना था? आई थिंक नहीं बनना होगा, 22 फ्लोर आई थिंक बहुत है। जिस टाइप का ये बिल्डिंग है, जिस टाइप का हाई राइज प्रोजेक्ट है ये, उस टाइप का कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा तो बहुत ही पुअर है। छोटे मोटे घरों में ऐसी गलतियां नहीं होती हैं जो इस हाई राइज बिल्डिंग में हो रखी है। देखिए ये सब क्या है, हनी कॉम्बिंग है, कवर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब ये इस टाइप से देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितनी हाइट पर हूँ, और ये बिल्डिंग इस लेवल पर ही कंप्लीट करनी थी क्योंकि यहाँ पर देखिए वाटर टैंक भी बन रहे थे, तो मतलब ये बिल्डिंग इसके ऊपर नहीं जानी थी। लेकिन स्ट्रक्चर क्वालिटी बहुत पुअर है, ये सब आप कॉलम देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्रैक्स, ये सब कॉलम के लिए बहुत रिस्की चीज़ है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती स्टार्टर में की गई है, कभी भी स्टार्टर इस तरह होता ही नहीं है जिस हिसाब से ये स्टार्टर डाला गया है। ये तो मतलब कि पूरा स्टार्टर फेल है, लेकिन स्टार्टर इस तरह का होता ही नहीं है। ये देखिए ये है रिंग, बहुत सारे कॉलम में भी ऐसे ही रिंग लगे हुए हैं। अब इस रिंग में क्या मिस्टेक है, अब ये चीज़ मुझे आप लोग को इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो हुक है, क्या ये हुक सही है? आपको ये पता है कि हुक जो होता है 135 डिग्री बैंड होता है दोनों हुक अंदर की तरफ, लेकिन ऐसे कहीं भी नहीं। हुक की लेंथ प्रॉपर है, ठीक है, हुक की लेंथ प्रॉपर है, कटिंग लेंथ भी सब बराबर ही है। वो तो मुझे नहीं पता कि ड्राइंग में क्या दिया गया था, लेकिन हुक बैंड नहीं है अंदर की तरफ, तो ये भी मिस्टेक है। आई थिंक आप लोग वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा, ये हमारा कॉलम है, नीचे का थिकनेस को आप देख गौर करिए और इस थिकनेस को गौर करिए, ये क्या ये कॉलम प्रॉपर लोड लेगा? और ऊपर का देखिए जहाँ पर कैप डालना था वहाँ पर क्या कंडीशन है इसकी, ये देखिए ये जो बल्जिंग आई है ना ये कॉलम में बहुत ज़्यादा बेकार है, इसमें प्लास्टर में भी इसको बराबर नहीं कर पाएंगे। आपको ये जो क्रैक दिख रहे हैं, आपको पता है ये क्रैक क्यों आते हैं? ये देखिए मैं कॉलम के बारे में नहीं जानता लेकिन बता सकता हूँ, यहाँ पर रिंग है, यहाँ रिंग है, यहाँ रिंग है, ये रिंग है, प्रॉपर कवर ना मिलने के कारण ये गलतियाँ हुई है, जिसके कारण इसका प्रॉपर कवर नहीं हुआ, और जब कंक्रीट किया गया तो इसके बीच में कंक्रीट अच्छे से नहीं आ पाया, जिसके कारण हनी कॉम्बिंग दिख रही है, और हनी कॉम्बिंग के कारण ये कॉलम उतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा जिस स्ट्रेंथ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ऐसी और दूसरी गलतियाँ देखते हैं, ये आप देख रहे हैं ये टावर क्रेन का नीचे फाउंडेशन है, और ये टावर क्रेन यहाँ से लेकर इस हाइट तक का है, और आई थिंक ऑपरेटर जो होगा वो यहाँ से ही आता होगा, यहाँ से चढ़ता होगा। अब यहाँ से बीच में देखिए आप स्टेयर देख रहे होंगे, मंकी लेडर से चलता हुआ ऊपर आता होगा, फिर वो अपने केबिन में जाता होगा। सोचिए कितना मतलब उसके लिए उसका जॉब कितना टफ है, और किन लोगों ने कितने लेबर कितने इंजीनियर यहाँ पर अपना मेहनत और टाइम दिया प्रोजेक्ट को इस लेवल तक भी खड़ा करना, लेकिन वो सब प्रोजेक्ट किसी एक रीज़न के कारण बंद हो गया। तो सबसे पहले तो मैं एक टूर कराना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग के फ्लैट कितने स्पेसियस हैं और किस टाइप का इसकी प्लानिंग है। देखिए ये हमारा एक फ्लैट है, आई थिंक है ये एक गेस्ट रूम या सर्वेंट रूम होगा जिसके अटैच में एक बाथरूम है, और ये देखिए हॉल कितना बड़ा हॉल है, सफिशेंट हॉल है, और ये इसका बालकनी है आई थिंक, क्योंकि मुझे प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं गेस कर रहा हूँ सब कुछ। ये किचन है, यहाँ पर वाटर लाइन का काम किया गया है, और यहाँ पर देखिए टाइल्स लगाने के लिए ग्रुप भी छोड़ा गया है। अब ये हॉल से कनेक्टेड एक ये बेडरूम है, और बेडरूम के साथ ये आप जो देख रहे हैं ये वार्डरोब का एरिया है, और ये बालकनी है। अब बालकनी का व्यू देखिए आप, ये देखिए व्यू आप देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है ना वो बहुत अच्छा है। अब मैं बात करूँ इसके साथ और क्या है, ये देखिए ये बाथरूम है, और यहाँ से हम अगर आते हैं तो ये रहा वही बाथरूम, ये क्या डिज़ाइन है, यहाँ गैलरी से एक दरवाज़ा, इस बेडरूम से भी कनेक्ट होकर एक दरवाज़ा, और आई थिंक ये भी बेडरूम है, यहाँ से भी एक दरवाज़ा, मतलब एक इतने बड़े बाथरूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक स्टैंडर्ड साइज़ का ही बाथरूम है, इसमें तीन दरवाजे, लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए कौन सा दरवाज़ा बंद करना है कौन सा खोल के रखना है। ये भी एक बेडरूम हो गया, और ये एक बेडरूम, इस बेडरूम में भी देखिए अटैच अपना टॉयलेट बना हुआ है, बाथरूम है, बाथरूम का स्पेस काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ भी लगा हुआ एक बालकनी है। देख रहे हैं प्लानिंग काफ़ी अच्छी है। ये ओवरऑल देखिए 3 BHK का फ्लैट, और भी इतना अच्छा प्लानिंग के साथ, सभी रूम में प्रॉपर लाइट है, वेंटिलेशन का काम है, और क्या रीज़न हुआ इसको बंद करने के पीछे पता नहीं। और पूरे बिल्डिंग में देखिए प्लास्टर कम्प्लीट है,
प्लास्टर की क्वालिटी यहाँ पर ख़राब है, पेंट कर दें, टाइल्स लगा दें। कुछ में देखिए बालकनी में टाइल्स भी लग चुकी है, ये देखिए आप, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखिए टाइल्स भी लग चुकी है और लाइट के पूरे पाइप सब कुछ हो चुका है, बस इसमें लाइट देना है और लाइट के साथ टाइल्स लगा दिए, दरवाजे विंडो जो भी है वो लगा दिए और ये बिल्डिंग कम्प्लीट। और एक कॉलम के बारे में आप देखिए मज़ेदार चीज़, ये है कॉलम, ये करीब 4 इंच तक बाहर है, मतलब कि मैं इसको इधर से दिखाऊं तो ये कॉलम देखिए वो कितना अंदर है, उसके बाद बीम थोड़ा सा बाहर है और ये कॉलम तो और ज़्यादा बाहर है। अब वो देखिए कॉलम में कितना हनीकॉम्बिंग है, कितना स्टील बाहर को एक्सपोज हो रखा है। और ये लिफ्ट का हनीकॉम्बिंग देखिए, ये देखिए बीम का रेनफोर्समेंट दिख रहा है और यहाँ पर देखिए कितना हनीकॉम्बिंग है, दिख रहा है। इस तरह के लोग आप लोग भी अगर काम कराते होंगे, आप लोग भी किसी साइट पे काम कर रहे होंगे तो आप लोग भी शायद ऐसी गलतियां नहीं करते होंगे जिस टाइप की गलतियां यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। और ये इवन एक फ्लोर पर नहीं है, अभी मैं 19 फ्लोर पर हूँ। अभी मैं आप लोग को ऊपर जो कॉलम का अलाइनमेंट दिखा रहा था वो आप नीचे से देखिए, देख रहे हैं ये हमारा कॉलम जो पूरा नीचे से आया है, ये बीम, फिर एक और कॉलम, और कॉलम का इसका अलाइनमेंट कहाँ जा रहा है, करीब 4 से 5 इंच बाहर है। और ये देखिए ब्रिक लाइन स्ट्रक्चर के साथ, सही में मजाक हुआ। और ये एक फ्लोर का स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये इवन हर फ्लोर पे आपको इसी टाइप की गलतियाँ दिखेंगी, हनीकॉम्बिंग, लाइन अलाइनमेंट और हर जगह जो स्टील एक्सपोज हो रखा है वो चीज़। यहाँ पर देखिए प्लास्टर होने के बाद भी लेवल अच्छे से नहीं आया, इसको चीजल किया गया ताकि प्लास्टर सही से आए और उसी टाइम काम को बंद करवा दिया गया। अब जो मैं आप लोग को ऊपर दिखा रहा था रिंग, जिसका मैं आप लोग बताया तो हुक अंदर की तरफ नहीं है, मतलब हुक जो 135 डिग्री पे बैंड होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हुक है, ये हुक ख़त्म, ये पूरा आगे रिंग है, ये हुक है, देख रहे हैं, ये भी एक हुक दिख रहा है मेरे को, ये देखिए यहाँ पर ही ख़त्म है, मतलब हुक को भी प्रॉपर बैंड नहीं किया गया है, जो कि हाई राइज बिल्डिंग में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग को भी हुक बैंड करने का क्या पर्पज़ होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी आप लोग को पता है। देखिए यहाँ पर ऐसी गलतियाँ की गई हैं और हर एक फ्लोर पे थिकनेस को लेकर, हनीकॉम्बिंग को लेकर ऐसी गलतियाँ हैं। आई होप आप लोग की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और ये सीखने को मिला ही हो कि आप लोग बिल्डिंगों में किस टाइप की गलतियाँ नहीं करनी है। और आप कहीं भी घर लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के टाइम एक बार विजिट करिए और उन लोग को टैग करिए जो भी घर ले रहे हैं या घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं ऐसी हाई राइज बिल्डिंग में। तो आप कंस्ट्रक्शन के टाइम में जाएंगे तो आप लोग को जो नोटिस करना है यही सब नोटिस करना है, क्योंकि बाद में फिनिशिंग के टाइम पे क्या करेंगे बिल्डर, इसको प्लास्टर से पूरा कंप्लीट कर देंगे और आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा और ये सब गलतियां सीपेज, लीकेज, क्रैकिंग, इन सब को न्योता देगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।